की सियासत में आईनी और कानूनी बहरान ने जन्म ले लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पीटीआई ने भी अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। डिप्टी स्पीकर को तस्वीर करदा तमाम इख्तियार भी वापस ले लिए गए। पंजाब की सियासत में आईनी और कानूनी बहरान, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। करारदाद के मतन के मुताबिक परवेज इलाही पर ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। स्पीकर ने पंजाब में जमहूरी रिवायात का कलक कमा किया। करारदाद में ये भी कहा गया है कि सूबे के मामलात आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे। उधर पीटीआई ने भी अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को तफवीज करदा तमाम इख्तियार भी वापस ले लिए। तर्जमान पंजाब असेंबली का कहना है कि पंजाब असेंबली का इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। गुज़श्ता रात डिप्टी स्पीकर के जाली ऑर्डर का असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जायजा लिया। जाली ऑर्डर पर डायरी नंबर दर्ज नहीं, जो अहम दस्तावेजात के लिए जरूरी है। ऑर्डर न तो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तैयार किया, न ही उसे जारी किया। डिप्टी स्पीकर का जारी करदा मस्कूरा ऑर्डर असेंबली कवायद जवाबत के खिलाफ है।